गड्ढा खोद के कोई तसले में खड़े होकर कोई कहीं पानी में ऐसी तरह से छठ नहीं मनाया जाता है, क्योंकि कोरोना में हमने संकल्प लिए थे कि जब हमारे माता रानी हमारी प्रार्थना सुन लेगी तो हम 3 दिन का निर्जल व्रत रह के हम ये व्रत निभाएंगे। और बहुत कठिन, हम अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते इस माता रानी से। तो इसमें मेन जो आपके व्रत में एक प्रसाद है जिसके बारे में बड़ी व्याख्या सुनी है, ठेकुआ के बारे में, तो मैं ठेकुआ के बारे में जानना चाहता हूँ। ठेकुआ तो खास है पूर्वांचल के लिए। तो ये प्रसाद, मतलब ठेकुआ का महत्व क्या है? मतलब इस मैंने देखता हूँ कि छठ पूजा को लेके आप लोग ठेकुआ का, लोग मिठाइयाँ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ठेकुआ का बड़ा महत्व है, उसके बारे में हमें बताएंगे आप? ठेकुआ में तो खास पसंद होती है माता रानी, ठेकुआ तो बहुत अनमोल चीज है, सुखाते भी है, बच्चे को भी छूने नहीं देते, जूठा करने। अच्छा, ये जो महत्व है, ये 3 दिन का व्रत क्यों मनाया जाता है? इसे तो 1 दिन में भी पूर्ण किया जा सकता है, तो 3 दिन क्यों आप लोग मनाते हैं? 3 दिन इसलिए मनाते हैं हम कि 1 दिन तो नहाए खाए होती है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरी दिन सांझ का रख होता है, चौथे दिन सुबह का होता है, वैसे तो जोड़ लो 4 दिन की हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद आप लोगों को। एक बार मैं बोल रहा हूँ, छठी मैया की।